नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा स्कॉर्पियो मून सन के वार्षिक भविष्य। अगर आपकी वृश्चिक राशि चंद्र राशि है और वृश्चिक राशि का 2020 का पूरे साल का जो वार्षिक भविष्य आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, इस वार्षिक भविष्य के को जो बेस है वो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो अपने बर्थ चार्ट से अपने मून साइन को पता करें। अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है यानी आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो ही इस वीडियो को फॉलो करें। कई बार लोग सन साइन को पता कर लेते हैं और मून साइन की प्रेडिक्शन को फॉलो करना शुरू करते हैं, जो गलत है। सन साइन से इस प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब भी नहीं। आपको अपने आपका मून साइन पता लग सकता है अपने बर्थ चार्ट से। इस बर्थ चार्ट से अपना चंद्र राशि पता करें, मून साइन पता करें। अगर वो स्कॉर्पियो है यानी आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो ही इस वीडियो फोकस को फॉलो किया जाए। स्कॉर्पियो एस्ट्रोलॉजिकल टास्क फॉर रेमेडीज क्या है आपकी जो पूरे साल की 2020 की स्कॉर्पियो की? पहला उपाय, 8 किलो सूखे नारियल सर को टच करवाएं। ईच हर कोकोनट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 108 बार एंटी क्लॉकवाइज और डीपेस्ट लेक में गिरा दें बैठने से पहले। दूसरा उपाय, धर्मसर मंदिर जाएं, लगातार 43 डेज जाएं माथा टेकने के लिए और दंडवत प्रणाम करें, या 86 डेज जाएं 229 डेज। केसर का तिलक मस्तक पर रोज लगाएं। 12 किलो राइस जल प्रवाह करें कम से कम एक मंडे, 4 मंडे या 12 मंडे। संडे वाले दिन नमक ना खाएं, पका हुआ खाना ना खाएं। फलोहार करें, नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं महीने में एक बार, हनुमान जी बाहक प्रयोग करवाएं महीने में एक बार सैटरडे वाले दिन आफ्टर दोपहर को, और मनी और फूड ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, हैंडीकैप स्कूल पैसे डोनेट करें, फूड डोनेट करें और किसी बेटी की शादी में पैसा दान करें, डॉग कुत्ता पालें या डॉग होम को डॉग फूड डोनेट करें, कन्या पूजन करें मंदिर में खीर में पैसे दे दें और साथ में प्रेजेंटेशन साफ सुथरी रखें। 12 नीले फूल पे अपना खुद का नाम लिखें ब्लू के साथ, कच्चे जमीन में दबाएं। 2 चांदी की ठोस गोली, 2 चांदी के सॉलिड सिल्वर स्क्वायर पीसेस अपने पोजेशन में रखें, सैफ्रन सिल्वर बॉक्स में रखें, ब्रास की गागर में रिवर वाटर भर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, मिक्स कलर ब्लैंकेट बनानास मनी 2 या 8 रिलीजियस प्रीस को दान करें, चांदी की डिबिया में शायद भर के घर में रखें, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीस करें बैठने से पहले और उसको नो व्हाइट मेटल स्टोन पहने 43 डेज 86 डेज 129 डेज 240 डेज आफ्टर सो मेनी डेज टेक आउट द स्टार्ट एंड फ्लो इन द रिवर, उसको निकाल के जल प्रवाह करें। लेकिन जितने दिन तक आपने नाक में लेफ्ट नॉस्टल में व्हाइट मेटल स्टड पहना उतने दिन तक और कोई उपाय नहीं करना, ये ध्यान रखें। और एस्ट्रोलॉजिकल टास्क करते हुए थोड़ा विचार कर लें, मैं ये भी कहना चाहूँगा, लेकिन जब आपने नोज पीएस पहना हो, नोज के अंदर नोज पीएस करके स्टड पहना हो जितने दिन तक ही पहना हो उतने दिन तक और कोई उपाय ना करें। दांत साफ करें फटकड़ी पाउडर के साथ, एलम पाउडर जैसे इंग्लिश में कहते हैं, और श्राद्ध अमावस्या के दिन धर्मस्थान में कम से कम 13 लोगों का या 26 लोगों का या 39 लोगों का या 52 लोगों का खाना दान करें। गोल्ड स्टड्स अपने कानों में पहने जो बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन जो आपको स्कॉर्पियो लेनी है जो बहुत ज़रूरी है, लेते रहना पड़ेगा, और स्कैंडल से, झूठ से, फ्रॉड से बचे, कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्ट ना करें, कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना लें, स्टील अप्लायंसेस किसी से न लें और एफर्ट्स लगाते रहें। जंग लगा लोहे का सामान घर में ना रखें, तावीज़ राख भभूति ड्राई फ्लावर्स बैल शंख अपने घर में ना रखें, कोई किस्म का क्लटर घर में ना रखें, पुरानी किताबें बुक्स और मैगजीन्स, पुराने कपड़े ऊट और पुरानी घड़ियाँ ख़राब पड़ी हुई घड़ियाँ, अलार्म क्लॉक ख़राब पड़े हुए, पुराने मोबाइल फ़ोन चार्जर, ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी, पाइप वुड, अनयूज केबल्स वायर ऐसी चीज़ें ना रखें, शराब ना पिए, नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए, स्मोकिंग ना करें और स्कैंडल से, स्कैम से बच के रहें। कोई गैम्बलिंग में पैसा ना लगाएं, गैम्बलिंग इस साल मना है आपको, राहु अष्टभाव में है, गैम्बलिंग बर्बादी का कारण बन सकती है, विचार कर लें, गैम्बलिंग में पैसा ना लगाएं। घरेलू ज़िंदगी के अंदर कला कलेश ना रखें, अब उसमें से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख के, बच्चे उसको छोड़ दें, कुत्ते पालें या कुत्तों से प्रेम रखें, बड़ों का अपमान ना करें, माँ का आशीर्वाद लें और किसी ऐसे इंसान के पैसे ना रखें जो लेबर का काम करता हो, उसकी हमेशा मदद करें।
स्कॉर्पियो मंत्र साधना 2020 के अंदर जो करनी होगी, पहले जो साधना वो आपको किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी मुसीबत से बचा लेगी। ये मंत्र साधना है, ओम हलरीम बगलामुखी सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किलाए बुद्धिम विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा। ये साधना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रॉब्लम से आपको निकाल देगी। पानी का जग भर के रखना है, कंबल के आसन में बैठे या खड़े हो, रात के समय करें। अगर आप बहुत मुसीबत पे हैं, रात के 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक करें, यानी रात के 12 बजे से सुबह के अर्ली मॉर्निंग यानी 2:30 AM तक करें, भूत भावन के टाइम करें, कुछ भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन फेसिंग साउथ, टाइम फॉर चैंटिंग 48 मिनट, मिनिमम 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। और दूसरा जो है कि सरराइज के लिए, सक्सेस के लिए, ओम करिम 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 हुम 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 हरिम 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 दक्षिणे काले के हरिम 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 हुम 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 करिम 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 स्वाहा। ये जो चैंटिंग आप जितनी करेंगे उतनी सक्सेस राइजिंग आपको मिलेगी। और रिक्वायरमेंट है पानी का जग, और आसन है मिक्स कलर ब्लैंकेट, और अर्ली मॉर्निंग अगर करें 2 बजे के बाद, वन ऑफ द बेस्ट, वेस्ट फेसिंग डायरेक्शन। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग होनी चाहिए कम से कम 48 मिनट, 60 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट, जितनी आप जब करेंगे उतनी राइजिंग आपकी होती जाएगी। स्कॉर्पियो के आप जानना चाहते हैं कि 2020 का पूरा साल जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा। ये पूरा साल जॉब के लिए, कामकाज के लिए, आपकी धन संपदा के लिए पूरा साल क्या लेकर आएगा स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के मून राशि के दोस्तों, वृश्चिक राशि के दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए 2020 के अंदर आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी। वृश्चिक राशि के दोस्तों, स्कॉर्पियो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 2020 के अंदर आपकी हेल्थ के हालात क्या होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए 2020 का साल, अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशनल करियर कैसा होगा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसे होंगे, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन में सक्सेस के क्या चांसेस होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं स्कॉर्पियो कि 2020 के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को जूझना पड़ेगा, किस तरह की रुकावटें आपकी होंगी, किस तरह से टाइम वेस्ट आपका हो सकता है, क्या आपको हल करना चाहिए, क्या उपाय पद्धति आपको प्रयोग में लेके आनी होगी, कौन सी मंत्र साधना से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जवाब यस है तो किस बात की देरी है, आप इस ईयरली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें और इसको एक टाइम नेविगेशन के मुताबिक इसको ले लें और एक रेफरेंस की तरह इसका प्रयोग करें, एक गाइड की तरह इसका प्रयोग करें कि पूरे साल के अंदर क्या आपका लक्ष्य है, क्या आपके इश्यूज हो सकते हैं, क्या आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास खुली हुई हैं, क्या सॉल्यूशन आपको करने चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इंग्लिश ईयरली रिपोर्ट का जो टाइमिंग है वो 1 hour 12 minutes है, पूरी वीडियो उसकी बनी हुई है, और रिटर्न जो रिपोर्ट है वो 7,516 words है, यानी 7,500 शब्द लिखे हुए हैं। इंग्लिश ईयरली जो वीडियो, जो वर्ड काउंट है, जो पूरी रिटर्न रिपोर्ट है, हिंदी ईयरली वीडियो रिपोर्ट है 1 hour 11 minutes की, हिंदी वीडियो रिपोर्ट है 1 hour 11 minutes की। तो इसकी, इसको एक टाइम नेविगेशन की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो काफ़ी इफेक्टिव होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस 2020 के ईयरली फोरकास्ट, जो ब्रीफ जो प्रेडिक्शन है, उसको आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आप पूरी डिटेल्ड ईयरली फोरकास्ट रिपोर्ट देखना चाहते हैं अपने मैरिड लाइफ के बारे में, रोमांटिक लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, अपने फाइनेंशियल बैकिंग के बारे में, अपने करियर प्रॉस्पेक्ट के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, और बहुत सारे उसमें चैप्टर्स दिए गए हैं डिटेल्ड ईयरली रिपोर्ट के अंदर, तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ और precautionsastrologer.com पर जाके आप डिस्कवर कर सकते हैं कि अगर आप किस तरह से आप रिपोर्ट ले सकते हैं और क्या पोटेंशियल है 2020 के आपके लिए, क्या रुकावटें हैं और किस तरह से आप उन पोटेंशियल्स को मीट कर सकते हैं और आप उन ऑब्स्टेकल से निकल सकते हैं पूरे साल के अंदर। अगर आप हमारे लिए बिल्कुल नए हैं और फिर भी चाहते हैं कि पूरे 2020 की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किस तरह की होगी, तब कृपा करके आप
2019 का व्यू देख लीजिए, 2019 की अब डिटेल रिपोर्ट हमने बहुत डिटेल्स में दी रखी है, वो एक सैम्पल है। 2019 का अपना आपकी मून साइन के मुताबिक जो ईयरली रिपोर्ट है उसको आप देख लें, तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या उसमें आइडिया क्या है। चलता हूँ, लौट के मिलूँगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। लेकिन 2000 वीडियो 2020 की, नए साल की, 2020 का ईयरली फोरकास्ट की जो वेरी थॉरली ईयरली रिपोर्ट है उसको ज़रूर लें आप हमारी वेबसाइट पर जाके। थैंक यू।